हाय गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि ये BS6 बाइक है और इसके कुछ क्लच के अहम राज हैं। जो शाइन के शौकीन हैं वो भी इसे देख ले और जो मैकेनिक है वो भी इसे देख ले और समझ ले। देखिए गाइस, मेरी बात के ऊपर भी गौर करना है आपको और वीडियो भी आपको गौर से देखना है। तो ठीक है, आपका समय ना लेते हुए मैं क्लच की फिटिंग चालू करता हूँ। तो इसे बोलते हैं आयल फिल्टर जाली। सबसे पहले आपको इसे साफ करना है और फिर लगाना है, इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। और बॉडी इसकी पहले अच्छे से धो लें, वरना आपकी रिटर्न क्लच प्लेट खराब हो सकती है। ये BS6 का मेन नियम है कि आप जब भी क्लच प्लेट डालो तो बॉडी को अच्छे तरीके से धोए। दूसरा, आप जब भी क्लच प्लेट डालो तो ओरिजिनल होंडा का आयल डालें। देख सकते हो इस तरीके से मेरी इसके क्लच की फिटिंग होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम जानकारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, हालांकि ये बताने वाली बात नहीं है, मगर मैं आपको जरूर बता रहा हूँ कि होंडा BS6 बाइक के अंदर अगर आप मार्केट की क्लच प्लेट डालोगे तो वो एक झटका लेगी जब भी आप सुबह से स्टार्ट करोगे तब। तो इसलिए बाइक के जो भी शौकीन हैं, जो भी गाड़ी के ओनर हैं, उन्हें समझाया कि कंपनी से, शोरूम से आप ओरिजिनल लाएँ। और ओरिजिनल के आप पार्ट नंबर देख सकते हो, इस तरीके से कुछ पार्ट नंबर आएंगे और ओरिजिनल पे कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हो आप। और ये आपको शोरूम से लेना पड़ेगी, ये पड़ेगी 172 रुपये की, देख सकते हो आप, 172 रुपये की पड़ेगी गाइस। आपको यही क्लच प्लेट डालोगे तो लंबी सर्विस भी मिलेगी और आपकी गाड़ी में कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो ठीक है गाइस, हम अब क्लच प्लेट की फिटिंग चालू। जैसे आपको पूरा क्लच का सामान भी फ्रेश करके रखना है, तभी आपकी क्लच प्लेट लंबी सर्विस देगी। ठीक है गाइस, कुछ इस तरीके से फिर ये प्रेशर प्लेट डालना है, फिर क्लच डालना है, फिर प्रेशर डालना है। इस तरीके से आपको पूरी क्लच प्लेट फिटिंग कर लेना है। फिर आप ये आपके हब सेंटर को इस तरीके से फिटिंग कर लें, देख सकते हो। इसमें भी एक टाइमिंग है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रही होगी बिंदु और यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी ये बिंदु। देख सकते हो आप, यहाँ पर भी बिंदु और यहाँ पर भी, इसे इस तरीके से यहाँ पर मिला के लगा दें। दोस्तों, ये एक टाइमिंग है और ये आपको विशेष ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये आपकी जब फिटिंग हो जाए तो आप इस तरीके से फिर से यहाँ लगा सकते हो। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से भी कुछ आपकी फिटिंग हो जाएगी, फिर आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। फिर आपको ये मोटे वाला वाइसर यहाँ लगाना है कुछ इस तरह। फिर इसमें ये विटनेस का नट लगेगा, इन नट को यहाँ पे इस तरीके से टाइट करो। और कोई भी हथौड़ी छेनी का इस्तेमाल ना करें, मशीन से इसे टाइट करें और मशीन का टेम्परेचर 2 पे रखें। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह टाइट करना है आपको, देख सकते हो आप। 19 का ऊपर रखेगा इसमें। इस तरीके से आपको कुछ टाइट करना है और जब आपका टाइट हो जाए तो फिर आपको एक प्लेट लगाना है। प्लेट इस तरीके से आपको लगाना है, देख सकते हो आप। ये चारों स्प्रिंग यहाँ इस तरीके से लगेंगे। प्लेट लगेगी कुछ इस तरह, यहाँ देख सकते हो आप। ये BS6 साइन का क्लच है
सेटिंग करना है दोस्तों, बीच सेंटर में रखना है आपको। फिर आपको यहाँ पे ऐसा बेरिंग लगाना है। ये हमारा कलच हो चुका है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से ये दो डायवेलें लगाना है, एक डायवेल यहाँ लगाना है, एक डायवेल यहाँ लगाना है। यहाँ पर आप सोल्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ग्रीस भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तो इसमें ग्रीस अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहो तो सोल्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो, आरटीवी। फिर इस तरीके से आप ये पैकिंग लगा दें। देखिए दोस्तों, हमने पैकिंग भी इसके अंदर ओरिजिनल इस्तेमाल की है। इस तरीके से हमारा क्लच कवर लग जाएगा। अब आपको बोल्ट टाइट करना है। दोस्तों इस तरीके से फिर आपको बोल्ट पूरा टाइट करना है। अच्छे तरीके से बोल्ट टाइट कर ले। जैसे देख सकते हो आप कि हमारा आयल लग चुका है। अब दोस्तों देख सकते हो हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है कुछ इस तरीके से।